थॉर, ज़ियस और हरकुलिस तीनों ही मार्वल यूनिवर्स के पावरफुल गॉड्स हैं, जिनमें से थॉर एक एस्गार्डियन गॉड है, तो वहीं ज़ियस और हरकुलिस ओलंपियन गॉड्स हैं। और बात करें इनकी पावर्स की, तो थॉर की पावर्स के बारे में तो हम सभी जानते हैं, लेकिन क्योंकि ज़ियस और हरकुलिस को एमसीयू में अभी इंट्रोड्यूस किया गया है, इसीलिए हम इन दोनों गॉड्स की पावर्स के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते। और इसी वजह से ये बता पाना भी थोड़ा मुश्किल है कि इन तीनों गॉड्स में से सबसे पावरफुल कौन है। लेकिन फिकर नॉट, क्योंकि आप मेरे चैनल के सब्सक्राइबर हो, और इसीलिए आज के इस वीडियो के अंदर हम थॉर, ज़ियस और हरकुलिस के बीच एक बैटल कंपैरिजन करेंगे और आपको इस बात का क्लियर आंसर देंगे कि इन तीनों पावरफुल गॉड्स में से सबसे पावरफुल कौन है। तो इसीलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और उसके बगल के बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि इस चैनल की कोई भी लेटेस्ट वीडियो आपसे कभी भी मिस ना हो। वैसे अगर आपने अभी तक मेरी टॉप 10 सुपर हीरोज इम्पॉसिबल टू किल वाली वीडियो नहीं देखी है, तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो आइए अब इन सारी बातों को साइड करते हुए आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो थॉर, ज़ियस और हरकुलिस के इस बैटल के अंदर हम दो बैटल्स देखेंगे, जो कि होंगे थॉर वर्सेस ज़ियस और थॉर वर्सेस हरकुलिस। तो आइए शुरुआत करते हैं थॉर वर्सेस ज़ियस से। तो पहले बात करें थॉर की, तो गॉड ऑफ थंडर थॉर एक एस्गार्डियन गॉड है, जो कि ओडिन का बेटा और पूरे नाइल रियम्स का प्रोटेक्टर है। एक गॉड होने की वजह से थॉर के पास सारी गॉड लाइक पावर्स हैं, जैसे गॉड लाइक स्ट्रेंथ, गॉड लाइक ड्यूरेबिलिटी, सुपर स्पीड, स्टेमिना और सुपर हीलिंग फैक्टर। थॉर की एज बहुत स्लोली बढ़ती है, इसीलिए थॉर हजारों सालों से जिंदा है और आगे भी हजारों सालों तक जिंदा रहने वाला है। थॉर को गॉड ऑफ थंडर कहा जाता है। और बात करें थॉर की पावर्स की, तो थॉर के पास थंडर की पावर्स हैं। वो वेदर को कंट्रोल कर सकता है, लाइटनिंग स्ट्राइक्स कर सकता है और थंडर को कंट्रोल करके उससे अपने दुश्मनों पर अटैक भी कर सकता है। थॉर के पास गॉड लाइक वेपन्स भी हैं, जैसे म्योनिर और स्टॉर्मब्रेकर। और थॉर के वेपन्स भी इतने ज्यादा पावरफुल हैं कि ये थॉर को किसी भी बैटल के अंदर अपर हैंड दिलवा सकते हैं। एमसीयू के अंदर थॉर अपनी कई पावरफुल फीट्स को शो कर चुका है, जैसे थॉर ने अपनी फर्स्ट मूवी के अंदर उस डिस्ट्रॉयर को ही डिस्ट्रॉय कर दिया था, जो कि एस्गार्डियन मेटल से बना था। और बल्कि वो डिस्ट्रॉयर तो इतना पावरफुल था कि ओडिन उसे अपनी वॉल्ट की प्रोटेक्शन के लिए रखते थे। इसके अलावा थॉर अपने म्योनिर की हेल्प से सोकोविया में लगे की थ्रस्टर्स को भी डिस्ट्रॉय कर देता है, जिस वजह से पूरा सोकोविया ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन उससे भी थॉर को कुछ भी नहीं होता। पर सिर्फ यही नहीं, बल्कि थॉर की ड्यूरेबिलिटी इतनी ज्यादा है कि एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के अंदर वो एक न्यूट्रॉन स्टार के फुल फोर्स को भी झेल चुका है और उससे सरवाइव भी कर चुका है। और बात करें दूसरे कैरेक्टर से फाइट करने की, तो थॉर रैग्नारोक के अंदर थॉर सर्टर को हरा चुका है और हल्क को भी एक अच्छी टक्कर दे चुका है। और अगर ग्रैंड मास्टर बीच में ना आता, तब थॉर हल्क को बड़े आराम से हरा भी चुका होता। इसके अलावा एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के अंदर जब सारे एवेंजर्स लगभग हार ही चुके थे, तब वो थॉर ही था जिसने वहां पर आकर उस फाइट का रुख बदल दिया था, जिसके बाद थॉर ने इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर्स को ओवर पावर करके थैनोस की छाती में स्टॉर्म ब्रेकर घुसाया था। पर ये सब तो एमसीयू की बात थी, क्योंकि कॉमिक्स के अंदर थॉर अपने एमसीयू वर्जन से भी कई ज्यादा पावरफुल है। मार्वल कॉमिक्स के अंदर हल्क और थॉर की कई बार फाइट हो चुकी है, और साल 2001 के अंदर जब थॉर और हल्क का क्रॉसओवर हुआ था, तब उसके अंदर थॉर हल्क के ऊपर इतना पावरफुल लाइटनिंग अटैक करता है कि उससे हल्क बेहोश हो जाता है। इसके साथ ही थॉर एक बार अपने हाथों से वर्ल्ड इंजन को भी पुश कर चुका है, जो वर्ल्ड इंजन पूरे नाइल रियम से कनेक्टेड था। थॉर एडमेंटियम केबल्स को अपने हाथों से तोड़ चुका है। द माइटी थॉर सीरीज के अंदर गैलेक्टस को नॉकआउट कर चुका है। सिल्वर सर्फर के फोर्स फील्ड को डिस्ट्रॉय कर चुका है। और तो और थॉर मिडगार्ड सर्पेंट को भी अपने हाथों से लिफ्ट कर चुका है। तो यही सारी थॉर की पावर्स थी। अब इसके बाद बात करें ज़ियस की, तो ज़ियस एक ओलंपियन गॉड है, जिसे गॉड ऑफ द लाइटनिंग और गॉड ऑफ द स्काई भी कहा जाता है। ज़ियस सारे ओलंपियन गॉड्स का किंग है, और जैसे ओडिन सारे एस्गार्डियंस को रूल करते हैं, वैसे ही ज़ियस सारे ओलंपियंस को रूल करता है। और बात करें गॉड ऑफ स्काई ज़ियस की पावर्स की, तो ज़ियस का पावर लेवल भी सारे ओलंपियन गॉड्स में सबसे ज्यादा है। और पावर से हटकर अगर बात करें सिर्फ स्ट्रेंथ की, तो ज़ियस का फिजिकल स्ट्रेंथ भी हरकुलिस के बाद सारे ओलंपियंस में सबसे ज्यादा है। और सिर्फ ज़ियस का बेटा हरकुलिस ही है जो कि फिजिकल स्ट्रेंथ में ज़ियस से आगे हैं। लेकिन ज़ियस का फिजिकल स्ट्रेंथ भी इतना ज्यादा है कि एक बार वो अपने स्ट्रेंथ के दम पर एक बड़े से माउंटेन तक को उठा चुका है। मार्वल कॉमिक्स के अंदर ज़ियस एक ऐसा पावरफुल गॉड है जो कि गैलेक्टस और हल्क जैसे मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स को भी बिना ज्यादा एफर्ट के ही बड़े आराम से हरा चुका है। और जो गैलेक्टस अपनी कॉस्मिक पावर से कुछ भी कर सकता है, उसी गैलेक्टस की कॉस्मिक पावर्स का भी ज़ियस पर कोई असर नहीं होता है। और क्योंकि ज़ियस भी थॉर की तरह एक गॉड है, इसीलिए उसके पास भी सारी गॉड लाइक पावर्स हैं, जैसे गॉड लाइक स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, सुपर स्पीड, गॉड लाइक स्टेमिना और एनहांस हीलिंग फैक्टर। ज़ियस लाइटनिंग का गॉड है, जो कि लाइटनिंग को समन कर सकता है और पावरफुल लाइटनिंग अटैक्स कर सकता है। इनके अलावा ज़ियस फ्लाई कर सकता है, पावरफुल थंडर अटैक्स कर सकता है, वेदर को कंट्रोल और मैनिपुलेट कर सकता है, मैजिक का यूज कर सकता है, यूनिवर्स की सारी लैंग्वेजेस बोल और समझ सकता है, बैटल्स में हैंड टू हैंड फाइट लड़ सकता है और अपनी टेलीपोर्टेशन एबिलिटी से खुद को कहीं भी टेलीपोर्ट भी कर सकता है। इन सब के अलावा ज़ियस के पास थंडरबोल्ट नाम का एक पावरफुल वेपन भी है, जो कि ज़ियस का प्राइमरी वेपन है। और थॉर लव एंड थंडर मूवी में तो इस थंडरबोल्ट को थॉर के स्टॉर्मब्रेकर जितना पावरफुल बताया गया है। ज़ियस का ये डेंजरस और पावरफुल वेपन
लाइटनिंग अटैक्स कर सकता है और अपने यूजर को टेलीपोर्ट करके कहीं भी ट्रेवल करवा सकता है। और थंडरबोल्ट की टेलीपोर्टेशन एबिलिटी बहुत हद तक स्टॉर्म ब्रेकर के बायफ्रॉस्ट समन करने की एबिलिटी से सिमिलर है। और थॉर लव एंड थंडर मूवी के अंदर थॉर इस थंडरबोल्ट का यूज करके टेलीपोर्टेशन को यूज भी करता है। तो अब थॉर और ज्यूस की पावर्स को क्लियरली जानने के बाद आइए अब इनके बैटल की बात करते हैं। तो सबसे पहले एक बात मैं यहीं पर क्लियर कर दूं कि हम यहाँ थॉर और ज्यूस के बैटल में एमसीयू में दिखाए गए ज्यूस को कंसीडर नहीं करने वाले, क्योंकि जहाँ मार्वल कॉमिक्स में ज्यूस एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल और किसी से ना डरने वाला गॉड है, वहीं एमसीयू में दिखने वाले ज्यूस को एक डरपोक गॉड बताया गया है जो कि गौर का सामना करने से भी डरता है। मे बी कुछ ऐसा हो सकता है कि मार्वल स्टूडियोज ने अभी सिर्फ स्टोरी को बिल्ड करने के लिए ज्यूस को ऐसा दिखाया हो और शायद इन फ्यूचर वो हमें ज्यूस के ट्रू पावर्स को शो करें, जिसके बाद हम सब ये जान पाएंगे कि ज्यूस कितना ज्यादा पावरफुल है। बट अभी के लिए हम मार्वल कॉमिक्स के ज्यूस को ही कंसीडर करेंगे। तो मार्वल कॉमिक्स के अंदर ज्यूस को लगभग ऑल फादर ओडिन के बराबर बताया गया है और ज्यूस की पावर्स भी लगभग ओडिन की पावर्स के इक्वली है। और कॉमिक्स में एक बार ओडिन और ज्यूस के बीच एक बैटल भी हो चुकी है, जिस बैटल का कोई विनर तो नहीं था, लेकिन उन दोनों के उस बैटल की वजह से पूरा वर्ल्ड हिलने लग जाता है। कॉमिक्स में ज्यूस ने सिर्फ ओडिन से फाइट नहीं की है बल्कि ज्यूस का सामना थॉर से भी हो चुका है। और मजे की बात यह है कि कॉमिक्स में ज्यूस थॉर को बहुत बुरी तरह से हरा चुका है, इसीलिए ये सारी चीजें जाहिर करती है कि ओलंपियन गॉड ज्यूस कितना ज्यादा पावरफुल है। और इसीलिए अगर थॉर ज्यूस से फाइट करेगा तो ज्यूस थॉर को हरा सकता है, क्योंकि आपको पता हो या ना हो लेकिन मार्वल कॉमिक्स में ज्यूस एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल गॉड है। तो अब थॉर और ज्यूस के बैटल को देखने के बाद आइए अब बात करते हैं थॉर वर्सेस हरकुलिस की। तो अब जैसा कि हम थॉर की पावर्स को पहले ही जान चुके हैं, इसीलिए आइए अब हम सीधा हरकुलिस की पावर्स की बात करते हैं। तो हरकुलिस ओलंपियन गॉड्स के किंग ज्यूस का बेटा है। हरकुलिस गॉड ऑफ स्ट्रेंथ है और मार्वल कॉमिक्स के अंदर हरकुलिस का नाम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स में गिना जाता है। हरकुलिस फिजिकली इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि सारे ओलंपियन गॉड्स में भी हरकुलिस से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोई भी नहीं है, यहाँ तक कि ज्यूस भी नहीं। ज्यूस बेशक से हरकुलिस से पावर्स में आ गए हैं लेकिन स्ट्रेंथ में नहीं। हरकुलिस के पास अनलिमिटेड स्ट्रेंथ है जिससे वो बिना रुके और बिना थके बहुत लंबे समय तक फाइट लड़ सकता है। हरकुलिस के पास हजारों सालों का बैटल एक्सपीरियंस भी है और इन हजारों सालों के दौरान इसने बहुत से बैटल्स को लड़कर उन्हें जीत रखा है। हरकुलिस के स्ट्रेंथ को मार्वल कॉमिक्स में हल्क और सेंट्री के बराबर का बताया गया है। और जैसे हल्क अपने स्ट्रेंथ से थंडर क्लैप्स कर सकता है, ठीक उसी तरह से हरकुलिस भी थंडर क्लैप्स कर सकता है और उससे पावरफुल शॉक वेव पैदा कर सकता है। हरकुलिस की स्पीड भी बहुत ज्यादा है और बेशक से वो क्विक सिल्वर जितना फास्ट तो नहीं है, लेकिन फिर भी वो स्पीड के फैक्टर में बहुत से कैरेक्टर्स को पीछे छोड़ सकता है। इनके अलावा हरकुलिस की हैंड टू हैंड कॉम्बैट में मास्टरी है। वो हॉकाई की तरह ही बहुत सटीक निशाना लगा सकता है, पावरफुल से पावरफुल अटैक्स को झेल सकता है और अगर उन अटैक्स से उसे कोई इंजरी हो जाए तो उसे बेहद ही जल्दी हील भी कर सकता है। और इन सब के अलावा क्योंकि हरकुलिस एक ओलंपियन गॉड है, इसीलिए उसके पास सारी गॉड लाइक पावर्स भी हैं, जैसे कि गॉड लाइक स्ट्रेंथ, गॉड लाइक ड्यूरेबिलिटी, सुपर स्पीड और एडवांस स्टेमिना। तो अब हरकुलिस और थॉर की पावर्स को क्लियरली जानने के बाद आइए अब इनके बैटल की बात करते हैं। तो हरकुलिस क्लियरली थॉर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसका रीजन भी काफी सिंपल है कि हरकुलिस स्ट्रेंथ का गॉड है, जिस वजह से उसका स्ट्रेंथ सारे गॉड्स में सबसे ज्यादा है। पर एक बैटल में कभी भी सिर्फ स्ट्रेंथ काम में नहीं आती बल्कि स्ट्रेंथ के अलावा और भी कई फैक्टर्स को कंसीडर किया जाता है, जैसे कि पावर्स, बैटल एक्सपीरियंस, ड्यूरेबिलिटी, हीलिंग फैक्टर और वेपन्स। और बेशक से हरकुलिस ड्यूरेबिलिटी और बैटल एक्सपीरियंस जैसे फैक्टर्स में थॉर के बराबर हो और फिजिकल स्ट्रेंथ में उससे कहीं आगे क्यों ना हो, लेकिन फिर भी थॉर हरकुलिस से पावर्स में आ गए हैं, क्योंकि थॉर गॉड ऑफ थंडर है, इसीलिए उसके पास लाइटनिंग और थंडर की पावर्स हैं, जिन्हें वो अपने हिसाब से कंट्रोल और यूज कर सकता है। और थॉर की लाइटनिंग पावर्स तो इतनी सुपीरियर है कि थॉर ने अपनी इन पावर्स से थॉर रैग्नारोक के अंदर हल्क को बड़ी आसानी से बीट कर दिया था। इसीलिए अगर एमसीयू में कभी थॉर और हरकुलिस एक दूसरे से बैटल करते हैं तो हरकुलिस अपने फिजिकल स्ट्रेंथ से थॉर पर थोड़ा सा भारी तो पड़ सकता है, लेकिन एट द एंड गॉड ऑफ थंडर थॉर अपनी थंडर और लाइटनिंग पावर से हरकुलिस को हराई देगा। और मैं ऐसा इसीलिए कह सकता हूं क्योंकि मार्वल कॉमिक्स के अंदर भी जब जब हरकुलिस और थॉर की फाइट हुई है तब हरकुलिस ने अपने स्ट्रेंथ से थॉर को थोड़ा सा परेशान जरूर किया है, लेकिन थॉर ने अपने थंडर की पावर से हरकुलिस को हराई दिया है। और इसीलिए हरकुलिस और थॉर के इस बैटल में थॉर हरकुलिस से ज्यादा पावरफुल है और वो उसे हरा सकता है। और वैसे भी यहाँ पर हमने थॉर के स्टॉर्म ब्रेकर की तो बात ही नहीं की है, क्योंकि अगर हम हरकुलिस और थॉर के बैटल को उनके वेपन्स के साथ देखें तो थॉर का स्टॉर्म ब्रेकर भी हरकुलिस के गोल्डन मेस वेपन के अगेंस्ट काफी सुपीरियर है और थंडर गॉड थॉर को उसके स्टॉर्म ब्रेकर के साथ रोक पाना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल है। तो यही थॉर वर्सेस ज्यूस वर्सेस हरकुलिस के टॉपिक पर एक बैटल कंपैरिजन वीडियो थी। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही आप मुझे ये भी बताएं कि आपके अकॉर्डिंग इन तीनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है। आपके अकॉर्डिंग इनमें से जो भी सबसे पावरफुल हो आप उसका नाम हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मार्वल के उन 10 सुपर हीरोज के बारे में जानना चाहते हैं जिन्हें मारना इम्पॉसिबल है तो आप हमारी टॉप 10 सुपर हीरोज इम्पॉसिबल टू किल वाली वीडियो देख सकते हैं, जो वीडियो आपको काफी पसंद आने वाली है। और अगर आपको वो वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी टॉप 10 अपकमिंग विलन्स ऑफ थॉर इन एमसीयू
टॉप 10 सुपर हीरोज हु कैन डिफीट थॉर, स्टॉर्म ब्रेकर वर्सेस म्योनिर और ब्लैक एडम वर्सेस शज़ाम वर्सेस थॉर जैसी कमाल की वीडियोस को भी देख सकते हैं। आपको इन सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर इंटरेस्टेड हो तो चेकआउट जरूर करना। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलता हूं ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।